समय जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारा भी ऐसा ड्रीम होता था। 1 2 3 तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं। गरम गरम मूंगफलियां, ओए शोर के मत काट दीजिए, कैसा लगेगा इसका भी, मैं हूँ दुकान का मालिक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ये अपनी बेबो। फिलहाल आज का सीन कुछ ऐसा रहने वाला है कि ये देखो, मैं बहुत दिनों से नट चेंज करवाने की बात कर रहा था, तो एक ये नट है, एक ये नट है और एक ये नट है, एक ये नट है। ये फिलहाल X3 किट है जो मैंने अलग से मंगाई थी। तो यहाँ से थोड़ा मैं जब बाइक चला रहा था, राइड कर रहा था, तो घुटनों में थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था सीन, ये हिल भी रहा था, बड़ा ऑड सा अजीब अजीब सा लग रहा था मतलब। तो अब सीन ये हो रहा है, ये नट भी बहुत अजीब से लग रहे थे यार, ऐसा लग रहा था दरवाजे में टाइट करने वाले नट तुमने बाइक में टाइट कर दिए। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं इस नट के लिए, फिलहाल हमने बहुत दिनों से नट मंगा दिए थे तो यहाँ लोकल में थे नहीं, कहीं बाहर से दुकान वाला नट लेके आया है। तो अभी दो नट यहाँ लगाएंगे और एक नट मैं ड्रिल मशीन से सेध करके या जैसे भी मैनेज करके उससे बोलूँगा भाई यहाँ पर लगा दे, देखते हैं। बाकी पीछे का दिखा दूँ आपको, ये नाम निकल रखा है तो ये नाम भी पूरा कराना है, DHA जो हमारा मीटर का है वो भी पूरा कराना है। तो फिलहाल चलते हैं। हाय, ये देखो दो बच्चे मेरा ब्लॉग देखने आए, इधर आओ दोनों, इधर आओ दोनों, इधर आओ। आपका नाम क्या है? आहिल। और आपका? आप मेरे वो हो फैन। चलो ठीक है फिर। जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ ना तो ऐसा मतलब छोटे छोटे बच्चे मेरे आस पड़ोस के, उनको पता है हैरी दा मतलब वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो मेरे ब्लॉग में आने के लिए मेरे घर के बाहर वेट कर रहे होते कि हाँ हैरी दा आप निकलेंगे और मैं ब्लॉग बनाऊँगा, तो ब्लॉग में आना मतलब पहले से मेरा वेट कर रहे होते हैं। तो यार उनका भी दिल नहीं दुखाना होता है और एक ब्लॉग में उन सबको नहीं ला सकता, क्योंकि अगर मैं लाऊंगा तो मेरा टाइम वहीं वेस्ट हो जाएगा, वैसे भी हम शाम को निकलते हैं। तो वो मेरा वेट करते हैं और जैसे ही वो आते हैं मैं एक ना एक करके एक ना एक बच्चे को मतलब अपने ब्लॉग में पर डे ले लेता हूँ, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी है, बस वो थोड़ा सा खुश हो जाए उतना काफ़ी है। तो फिलहाल डेली की तरह आज भी हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर भी फाटक डेली लगता है, तो आज भी लगा है। फिलहाल चेक करवाऊंगा सिक्योरिटी गार्ड। फिलहाल तुम लोगों को बता दूं, अगर ऐसे कभी फाटक लगता है, जो ये अभी देखा अपने अंकल ने बाइक निकाली, और लोग भी ऐसे बाइक निकालते हैं, बट नहीं निकालना चाहिए हमें किसी कारणवश, अगर ट्रेन जल्दी आ गई या कुछ भी हो गया, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, गाड़ी फंस गई, तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि यार ऐसे ना ही निकालो तो बेटर है। तो फिलहाल सीन ये है कि अभी मेरे को थोड़ा सा मार्केट में काम था, मैंने तुम्हें बताया था कि यार वो नट जो लगाने थे X3 किट में, तुम्हें बता दूं मैंने ये ऑनलाइन X3 किट मंगाई है। जो X3 किट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं होगा ना, तो वो इस चीज़ को लोकल नहीं बताएगा, वो गाड़ी का पार्ट्स ही बताएगा। ये लोकल होने के कारण क्या होता है सीन, इसमें थोड़ा सा फिटिंग ढंग की नहीं आती है, जो लोकल होती है तो उसमें फिटिंग ढंग की नहीं आती है, तो इस कारण ही ये यहाँ पे फिटिंग ढंग की नहीं आ रही है। और थोड़ा ऐसा भी होता है लोकल है तो टूटने का भी डर बहुत रहता है अगर सही से फिट नहीं किया जाए तो। तो सेम यही है कि यार अब ये मैंने जल्दबाजी में तो ऐसे फिटिंग करा ली थी, बट अब मैं थोड़ा सा सही से फिटिंग कराने जा रहा हूँ इसको, क्योंकि टूटने का बहुत डर है, क्योंकि यार एक एक ही ये लाइफ में हर चीज़ एक बार ही होता है यार। अगर ये मैं मंगा रखा हूँ तो कुछ बहुत पैसा तो नहीं, बट कुछ पैसा तो गया है जेब से, बट यार उसका भी तो एक मलाल रहता ही है अगर वो कहीं टूट जाए तो। और फिलहाल यार टाइम अलग वेस्ट होता है जो अगर मंगाओ तो। फिलहाल क्या बोलती पब्लिक, ओवरटेक कर दूँ क्या ट्रक को मैं ज़्यादा जल्दी? अरे रे 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 भाई, मैं तुम्हें बता दूँ मैं ग्लव्स में सही से अभी कम्फर्टेबल नहीं हूँ, तो राइडिंग उतनी परफेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, ओवरटेक करने में या क्लच छोड़ने में मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज हल्का सा मेरे को लग रहा है ये ग्लव्स छोटे भी हैं, और थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा है कि मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही पहन रहा हूँ, ज़्यादा मैंने ग्लव्स पहने नहीं है, ग्लव्स पहन के राइड करी नहीं है, वो ठंडियों वाले पहने हैं स्कूल लाइफ में पहले हैं बस, वो राइडिंग वाले ग्लव्स पहने नहीं है, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि इतना कैसे किस हिसाब से चलाते हैं बाइक। अभी तो फिलहाल दुकान पर पहुँचने वाले हैं, तो ये थोड़ा काम लेट ही करके देते हैं, क्योंकि बहुत बार इन्होंने हमें लौटा दिया है कि आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल होगा, तो आज पूछ के देखते हैं। यहाँ गजब भीड़ रहती है, आज हो जाएगा, आज भी नहीं, चलो कोई नहीं। मुझे पता था थोड़ा थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये आज भी काम के लिए मना करेगा भाई, बट कोई नहीं, आज नहीं तो कल अगर करना होगा तो कर देगा, बट कोई नहीं, अपने तो यार आना है, उसने बुलाया है, अपना तो काम ही यही है कि हाँ रोज़ सुबह मुंह धुलना है, उठना है और चल देना है, अगर करता है तो भी ठीक है और नहीं करता है तो भी ठीक है। फिलहाल पैसों का करने वाला है, फ्री का तो करेगा नहीं जो इतना मतलब मना कर रहा है, बट कोई नहीं, पैसे तो देने ही हमने, आज नहीं तो कल हम दे देंगे, बट वो काम तो हुआ नहीं। बट जो पीछे मेरा नाम हल्का सा निकल गया था अभी, जो ऐसा मैं वॉश कराने गया था इसको आफ्टर मॉडिफिकेशन, मैंने फर्स्ट वॉश जब कराई थी तो ऐसा हुआ कि उसका एक नाम पीछे का जो मेरा आईडी का नाम है वो मिट गया था, निकल गया था, तो वो अभी पूरा कराने जा रहे हैं, तो अभी उससे पूछेंगे कि यार पूरा नाम देखते हैं कि क्या रहता है वहाँ का सीन, क्यों पूरा नाम दोबारा से लिखना है या जो जो दो वर्ड निकले हैं उसके वो दो वर्ड लगाने हैं, वो जाके पता चलेगा कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फिलहाल यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है, तो कहीं इसने भी मना कर दिया तो हो जाएगी हमारी टाटा फुस। ये पीछे यार आईडी मिट रखी है, दो अक्षर लगा दोगे यार, मेरा वो लीड बेकार हो गई यार, तुम भी बहाने बना रहे हो।
पैसे दूंगा यार, फ्री का नहीं करा रहा हूँ भाई, पैसे दूंगा यार उसके। एच ए बनाना था, ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं था, दो अक्षर यार। चलो कोई नहीं, तो फिलहाल यहाँ भी सीन गंदा हो गया। इस भाई ने भी हमारे काम के लिए मना कर दिया, बट मेरी लीड नहीं आई। पता नहीं यार शकल में कहीं पनौती लिखा है या क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ जा रहा है काम के लिए मना कर रहा है। जो मेहनत का काम होता है यार, मैं हमेशा सामने वाले से कहता हूँ कि यार अगर तेरी जितनी मेहनत है, जितनी मेहनत तूने करी है, पैसा पूरा ले। ऐसा नहीं है मेरे लिए एक भी रुपये मत माफ़ कर, क्योंकि मैं खुद भी यार एक ऐसा काम करता हूँ, मैं खुद दुकान पे बैठता हूँ दिन भर। तो मुझे पता है कोई यार मेरे से अगर बार्गेनिंग करता है ना, तो मेरे को बड़ा लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे वो आइटम, कोई भी आइटम मैं बेचता हूँ जैसे 10 रुपये का, अगर उसको 10 रुपये से कम में बेचता हूँ ना, तो मेरे को भी लगता है कि यार मैं इसमें क्या ही कमाया, मैंने इसमें अपनी जेब से गवाया है और मेहनत फालतू की लग गई। तो मैं सामने वाले से भी कभी ऐसे बार्गेनिंग का कोई सीन रखता नहीं हूँ कि भाई तेरी जितनी मेहनत है, जितना तेरा जितने का आइटम है, जितने तू मांग रहा है मांग, बट एक जायज पैसे मांग कि हाँ मेरे को लग सके कि हाँ सही पैसे मांग रहा है। तो फिलहाल अभी दूसरी दुकान पे जाते हैं जहाँ से हमने ये रैपिंग कराई है, उस दुकान पे जाते हैं, उस भाई से पूछते हैं कि हाँ रैप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दो अक्षर ये लिखने हैं, दो वर्ड लिखने हैं, ये लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। बिकॉज यार क्योंकि छोटे काम के लिए, मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ लोकल में सभी मना करते हैं, क्योंकि सोचते हैं अगर उनका कोई खाली बैठे होंगे तो कर देंगे, अगर कोई काम चल रहा होगा तो छोटे काम के लिए कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता। बिकॉज उन्हें पता होता है इसमें ज़्यादा रुपये मिलना नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट होना नहीं है, तो ये काम करने से बेटर है मना कर दो। बट कोई नहीं, आज मना करोगे कल के दिन तुम खुद घाटा खाओगे भाई, ये अपना एक रूल है। अरे यार वो देखो पीछे नाम निकल गया, वो लगा दो दो वर्ड उसके, पूरा लगेगा दो शब्द, क्यों नहीं लगेगा यार पूरा। गैस चेक करो यहाँ पे अपना काम, बहुत टाइम बाद हो रहा है, काफ़ी खड़े खड़े थक गए हम और बात करते करते, तो बहुत रिक्वेस्ट करी इसके, इन भाई के पैर छुए तो जाके इनने काम करना स्टार्ट किया। रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत वो ऐसा मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता हूँ ना पैर छुए, तो क्योंकि मैं बड़ा हूँ तुमसे, तो यार अगर बड़ा होकर तुम्हारे पैर छूंगा तो मेरी तरफ कैमरा कर रहा। तो फिलहाल काम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। एक हैरी हमारा जो इंस्टाग्राम यूट्यूब आईडी जो मिट रखी थी, तो वो अभी पूरा यहाँ पे करवा रहे हैं। खटीमा का फ्यूचर हूँ मैं, ठीक है, संगी राइडर टॉप वन में। घमंड आ गया। ऐसा मत बोलो। देख लो भाई घमंड आ गया, अभी पता चलने लग गया। अरे सुबह यार देखो ऐसा है ना, देखो मेरे को पता है कि थोड़ा सा ना ग्रो होने के बाद हर किसी के अंदर घमंड आता है, ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, घमंड हर किसी के अंदर आता है, थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी आएगा, ऐसा नहीं है, पर एक टाइम बाद घमंड आने के बाद ऐसा होता है ना, एक झटका और पड़ता है लाइफ में, फिर उस झटके के बाद ना वो ज़िंदगी फिर से संभलती है कि हाँ यार घमंड से कोई फ़ायदा नहीं है, सबको लेके चलो। हर किसी के साथ ये होता है, कभी कभी खुशी कभी गम लाइफ में लगा है। नहीं मेरा भाई, मैं भाई का बिग फैन हूं, भाई के साथ मैं हूं। हैं बस तुम्हारा साथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू बोलो। फिलहाल यहाँ पे नाम लिख चुके हैं और काम चल रहा है स्टार्टिंग में। फिलहाल शोरगुल हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आवाज़ ज़्यादा आ नहीं रही होगी। तो यहाँ पे ये एक निकल चुका था, मैं सोच रहा था दोबारा पूरा लिखाया जाए दोबारा से, बट कोई नहीं यार इतने से भी, क्योंकि मेरे को नाम चेंज कराना है, तो अभी मैं ज़्यादा प्रॉपर करा नहीं रहा हूँ, नाम चेंज करा के कुछ अलग ही नाम लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये सर्चिंग में नहीं आ रहा है। देखो छोटे छोटे बच्चे आए थे, तुम हमें जानते हो, जानते हो, इधर तो आओ, इधर आओ। कितने खुश हैं ये छोटे छोटे बच्चे, ये कैसे बाइकों को देख रहे हैं। फिलहाल इनका भी ये ड्रीम होता है, कब से समय जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारा भी ऐसा ड्रीम होता था। अरे बड़े हो, थोड़े बड़े हैं, थोड़े थोड़े बड़े बच्चे, बड़े भाई लोग कह दूं, बड़े भाई, ये मेरे बड़े बड़े भाई लोग। क्या है नाम आपका? राइडिंग करते हो? कौन सी बाइक है? बाइक ये बाइक फिलहाल भाई की, अभी इसमें आईडी मेंशन नहीं करी है भाई ने। फिलहाल दोबारा से आईडी बोल दोगे? अभी प्रो 90। फिलहाल भाई को जाके सपोर्ट करो, भाई हमारे पास आया था कि थोड़ा प्रमोशन कर दो। फिलहाल भाई हम भी ज़्यादा बड़े नहीं है, हमें भी स्टार्टिंग ही है, बट कोई नहीं यार अपनी तरफ से जितना होगा कर सकेंगे, ठीक है। चेक करो भीड़, दो बाइकें खड़ी एकदम, ये भाई जब इन बाइकों को खड़े होने से इतना भीड़ हो रही है, सोचो किसी दिन सुपर बाइक आएगी, किसी दिन सुपर बाइक आएगी तो कितनी भीड़ लगेगी। है आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है The Hairy 06। कैसे हो भैया? बस ठीक है। How are you? एकदम फाइन, एंड यू? फाइन। फ्री की मत उठा, पैसा लगता है भाई, मेहनत कर रहा है देख ले। मैंने पैसे दिए, चल खा ले मैं पैसे दे दूंगा। अरे भैया हाँ
मूंगफली है ऐसे थोड़ी लाओ मैं बेच दूं। ला ला मूंगफली बेच के दिखाता हूँ देख। तो फिलहाल ये चैलेंज है, मैं कुछ देर में मूंगफली बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा। ला चल मैं बनाऊं। देख मूंगफली बेचते समय कैसी आवाज लगानी होती है, ठीक है? मूंगफली आ, मूंगफली आ, गर्मा गर्म मूंगफली आ, गर्मा गर्म मूंगफली आ। ओए चोर के मत खा, ठीक है? पैसा लगेगा इसका भी। मैं हूँ दुकान का मालिक। मैं हूँ। मैं कौन? मैं द हैरी 06। क्या रेट है ये मूंगफली? 200। ले भाई पकड़ नीचे तो देख जल रही होंगी। चलो शर्त लग गई, मतलब बैलेंस ऐसे नहीं, मतलब हैंडल पकड़ के कौन ज्यादा लगा लेता है। ना ना शर्त लग गई, हैंडल पकड़ के बैलेंस बनाने वाली बात हो गई, कौन ज्यादा कर लेता है, ठीक है? यहाँ पे लग गई है हरी भैया और रेडियम वाले भैया। आगे इधर आ जाओ, इधर कोई ठूक ठाक चले जाएगा कोई। चलो 1 1 2 3 चलो। देख सकते हो गाइस क्या मैं जीत गया। चलो अब खिलाओ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बुलाओ। हजार हजार रुपए की शर्त लगी थी, हजार रुपए लाओ, निकालो निकालो हजार रुपए निकालो, हजार रुपए। तो फिलहाल अभी हमें छोटे छोटे भाई लोग मिले थे हमारे बहुत सारे, वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। मैंने तुमसे बोला है कि जब कोई भाई लोग ऐसे मिलते हैं मेरे सामने, मेरे पास आते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं बाय, तो मेरा दिल गदगद होता है और मैं काफ़ी पॉजिटिव होता हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ ब्लॉग बनाऊँ ब्लॉग बनाऊँ। तो तुम लोगों का दिल से थैंक यू यार छोटे भाई लोगों, क्योंकि तुमसे ही मैं हूँ, तुमसे मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है। सोच लो एक रेड बुल पी के जितनी एनर्जी मिलती है उतनी मेरे को तुमसे मिलके मिलती है। जब तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखता हूँ ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है भाई। बस तुम लोग जल्दी से जल्दी थोड़ा सपोर्ट और करो भाई को, 5K करा दो, जल्दी से जल्दी 5K करा दो। जिस दिन 5K होंगे ना उस दिन एक ग्रैंड सी मस्त सी पार्टी रखने वाला हूँ अपने भाई लोगों के लिए जो जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और पार्टी रखने के बाद कुछ ऐसा भी होने वाला है कि इसमें मैं एक मस्त सा बॉम्ब सा, मतलब एक ओपी सा जो भी कहो, मतलब एक खतरनाक सा मॉडिफिकेशन लाने की सोच रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो भाई को, 5K हो जाए मेरे, बस उस 5K का इंतजार है। 5K के बाद कुछ ऐसा होने वाला है ना, मतलब अलग ही कर देना है बिल्कुल सबसे, तो उस 5K का इंतजार है। बाकी तो और लाइफ में क्या है बताऊँ तुम्हें, तुम लोग मिलते हो ना छोटे भाई लोगों, और तुम जो ऐसे लोग मिलते हैं जो फ़ोटो वोटो खिंचाए अभी भाई लोगों ने, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। दिल से मैं यार उन लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बस तुम लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आज का ब्लॉग भाई लोगों यहीं पर समाप्त होता है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू, सी यू, मिस यू।